बगावत नहीं किया और जिस बुनियाद के ऊपर उन्होंने किया सिर्फ और सिर्फ बस अपना फायदा, ऐसा था कि म्युनिसिपैलिटी को किस तरह से लूट लिया जाए। और मैं हमेशा कहता हूं कि यहां पर हमारी म्युनिसिपैलिटी में जिसको हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने अपने घर के पैसे से इसको चलाया है, आज ये लोग जो है उसको लूट रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है। और हमारे लोग जो गए थे वहां पर, एनसीपी उनको अपनी पार्टी में शामिल कर ली, अलायंस का जो धर्म रहता है, कोलिशन का जो धर्म रहता है, उसके खिलाफ गए वो लोग और सिर्फ एक बुनियाद बना के कोलिशन बना था एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना का, एक बीजेपी को किस तरह से दूर रखा जाए। और उसके बीच में जो है एनसीपी की ये हरकत जो की है, हम लोग पूरी ताकत के साथ लगे रहे। इन्होंने पूरी कोशिश की कि किस तरह केस को आगे ढकेला जाए, आगे तारीख तारीख लगाते बीच में हमको लगा कि ये पूरा पीरियड खींच लेंगे। तो हम लोग हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट ने इनसे कहा कि आपके पास जो केस पड़ा है इसका 31 दिसंबर से पहले जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है, इस पर किस प्रकार की जिम्मेदारी आगे से बढ़ेगी और मुख्यतः इसका आप आगे कैसे देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं भिवंडी की सभी सर्वात प्रथम मी भिवंडीतल्या सर्व नागरिकांना नमस्कार बोलते आहे आणि त्यांनी जी अध्यक्षपदाची नियुक्ती करून मला जी जिम्मेदारी दिली त्याचं मी पूर्ण भिवंडीवासियांचा आभार व्यक्त करते आणि ही जिम्मेदारी मला दिली त्यांचं महाराष्ट्र अध्यक्ष संध्याताई सवालाखे, आमचे शहर जिल्हा अध्यक्ष ॲडव्होकेट रशीदताई मोमीन सर, राणी मॅडम, राणी अग्रवाल मॅडम, रमाकांत अंकल, रेहाना अन्सरीजी यांनी जी मला अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवली आहे ती मी चांगल्यारीत्या पार पडेन आणि यांचं सगळं श्रेय यांना जातं, यांनी माझं काम बघितलं त्यामुळे ही जिम्मेदारी माझ्या अंगावर टाकली। काय करणार महिला सक्षमीकरण, काय तुमचं नियोजन आहे? काँग्रेसमध्ये एक नवीन चेहरा लवकरच पाहायला मिळेल महिला काँग्रेसमध्ये, त्याप्रमाणे आम्ही ती फळीही तयार करणार आहोत। आणि आता बोलून नाही दाखवायचं, एक करून दाखवायचं आहे, करून दाखवल्यावर तुम्ही 100 प्रश्न विचारा, आम्ही उत्तर द्यायला तयार आहोत। 11 सालों से आप इस पोस्ट पर रही है और आज एक पोस्ट नौजवान युवा लड़की को मिला, क्या कहेंगे इस बारे में और आपका सपोर्ट कितना रहेगा? मैं सबसे पहले तो हमारी नेता डिसोजा मैडम जो ऑल इंडिया की प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस की, उन्होंने उनका शुक्रिया अदा करूंगी और महाराष्ट्र प्रदेश महिला अध्यक्ष हमारी संध्या सवालाखे मैडम का, उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगी। हमारी महाराष्ट्र की जनरल सेक्रेटरी हमारी रानी अग्रवाल जी मैडम का, उनका शुक्रिया अदा करूँगी और हमारे जिला अध्यक्ष रशीदताई मोमीन का कि जिन्होंने हम लोगों के ऊपर विश्वास जताकर मैंने 11 साल अध्यक्ष पर संभाला भिवंडी का। और आज हमारी बहन, हमारी बेटी, आज हमारी शाली महात्रे जी को अध्यक्ष बनाए हैं, इनका मैं पूरा पूरा सपोर्ट करूंगी। और जिस तरीके से मैं भिवंडी शहर में 11 साल अध्यक्ष पद को लेकर काम किया है, इसी तरीके से इनके साथ भी इनको मदद करूंगी जितना भी मुझसे होगा। और जो महाराष्ट्र प्रदेश में जो मुझे पोस्ट दी गई है, महाराष्ट्र में भी जो हमारे आदेश के मुताबिक उनका भी मैं काम करूँगी, पार्टी का बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगी और आने वाले इलेक्शन में हम ज़ोर शोर से मिलकर दोनों बहनें काम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सीट हमारी आए। हिलाल अंसारी जी, उनको महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस में सेक्रेटरी का पद, उनकी जो खूबियां हैं, उनका जो काम है, उन्होंने जो 11 साल पार्टी को दिए,
उस वजह से उनको ऊपर महिला कांग्रेस में लिया गया, उनको प्रमोशन मिला है, तो ये उनके काम की बदौलत उनको मिला है। और ये कांग्रेस की प्रथा है कि 5 साल के बाद उनको प्रमोशन दिया जाता है जो भी पद में रहते हैं। और रेहाना अंसारी जी को तो 11 साल मिला है, अच्छा काम कर रही थी, इसलिए अब उनकी जगह हर्षाली मनोज महात्रे, उनको भिवंडी का महिला अध्यक्ष का पद मिला है।